सोचो क्या होगा कि अगर तुम्हें तुम्हारा वही स्कूलमेट मिल जाए जो कि बचपन में तुम्हारा क्रश भी था और स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का था, लेकिन उसने तुम्हें ठुकरा दिया। बट इस बार किस्मत से वो तुम्हें दोबारा मिला है और वो तुम्हारा खड़ूस बॉस बन चुका है, क्योंकि भाई होने को कौन ही टाल सकता है, किस्मत में जो लिखा है वो तो खैर होकर ही रहेगा। सो ऐसा ही कुछ हमारी हीरोइन शाओ के साथ भी होता है, लेकिन अब देखने वाली बात तो ये है कि वो इन सारे सिचुएशन को कैसे हैंडल करने वाली है, बोले तो वो अपने खड़ूस बॉस से कैसे बचेगी। सो कहानी की शुरुआत एक सैटेलाइट लॉन से होती है, जहाँ सारे साइंटिस्ट से पहले ही एक बंदा उस एरर को ढूंढ कर फटाक से उसे ठीक कर देता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि अपना हैंडसम हीरो यिनशी है। टेक्निकल डिपार्टमेंट का बेताब बादशाह है और ये सारी छोटी मोटी चीजें तो उसके बाएं हाथ का खेल है। वही अपनी खूबसूरत हीरोइन शाओ अपने ग्रैंडफादर के साथ में बहस में लगी हुई होती है, क्योंकि वो उसकी अरेंज मैरिज एक रिच फैमिली के लड़के से जो करवाना चाहते थे, जिससे कि शाओ को तो काफी ज्यादा ऐतराज होता है, क्योंकि वो अपनी मनपसंद के लड़के से लव मैरिज जो करना चाहती थी। ग्रैंडफादर उसे ये डील करने लग जाते हैं कि अगर उसने एक साल के अंदर उनकी डूबती हुई कंपनी जो कि बहुत ही जल्द बैंकक्रप्ट होने वाली है उसे बचा लिया, तो वो जहाँ चाहे वहाँ पे शादी कर सकती है, वो उसे बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। साथ ही उसे कंपनी में अपनी पहचान छुपा कर रखनी होगी कि वो चेयरमैन की पोती है। शाओ अपना सामान वामान पैक करके वहाँ से निकल ही रही होती है, लेकिन उसका भाई उसे आकर वैसे ही टॉन्ट मारने लग जाता है जैसे कि हमें हमारे भाई लोग टॉन्ट मारते हैं। बोलता है कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, ग्रैंडफादर जो बोल रहे हैं मान लो, क्योंकि भाई तुम ठहरी एक गेमिंग यूट्यूबर और ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है। जहाँ गाइस हमें ये मालूम होता है कि शाओ का एक गेमिंग यूट्यूब चैनल है जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है और उसके लाखों में सब्सक्राइबर्स भी हैं, लेकिन शाओ कहाँ ही सुनने वाली थी, बल्कि वो तो अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। वहीं अपना हैंडसम हीरो यिनशी अपने सेक्रेटरी और अपने छोटे भाई यूवी के साथ में जा रहा था, जहाँ यूवी उन्हें रास्ते में रोकते हुए बोलता है कि मैं तो चार्जर लाना भूल गया। सेक्रेटरी तो उसका मजाक बनाते हुए बोलता है कि तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन जैसे ही उसे ये मालूम चलता है ना कि वो चार्जर तो उसी का था, फटाक से होटल वालों को फोन करके अपना सामान मंगवाने लगता है। शाओ भी एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी थी और वो भी यूवी के साथ जाकर उसी सेम बेंच पर बैठ जाती हैं। गेम खेलते हुए शाओ को यूवी घूर घूर कर देख रहा होता है और उसे तो यही लग रहा था कि शायद उसकी नजर उसके चिप्स के पैकेट पर है, और इसलिए जबरदस्ती वो पैकेट उसे देकर वहाँ से चली जाती है। साथ ही वो अपनी बेस्ट फ्रेंड सारा को ग्रैंडफादर और अपनी उस शर्त के बारे में भी बता देती है। जैसे ही वो टैक्सी में बैठकर वहाँ से जा रही होती है, यूवी के साथ उसके भाई यिनशी को देखकर वो उसे पहचान लेती कि अरे यार ये तो वही है जिसने मुझे स्कूल टाइम में मेरी बर्थडे पार्टी में आने से साफ साफ इनकार कर दिया था। बोलती है कि हे भगवान, ये लड़का मेरी टैक्सी में तो नहीं आना चाहिए, लेकिन देखते ही देखते वो उसी की टैक्सी में आकर बैठ जाता है, इसलिए वो अपने आप को पूरी तरह से छुपा लेती है। जैसे कि उधर तो बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही हो, ड्राइवर भी देखकर काफी शॉक हो गया था। गाड़ी में सेक्रेटरी से अपने गेमिंग चैनल की तारीफें सुनकर और ये जानकर कि वो उसके गेमिंग चैनल का बहुत बड़ा फैन है, शाओ तो फूले नहीं समा रही होती है। साथ ही सारा को भी मैसेज करके यिनशी के बारे में सब कुछ बता देती है, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। ठीक होने के बाद सेक्रेटरी ने शाओ के साथ में अपनी सीट एक्सचेंज कर ली थी और इसलिए अब वो बेचारी जैसे तैसे अपना मुंह चुबाते हुए यिनशी के साथ में ही बैक सीट पर बैठ जाती है। जैसे ही ड्राइवर शाओ की लोकेशन के लिए उसका फोन जीपीएस से कनेक्ट करता है, तो फटाक से सारा का फोन आ जाता है जो कि उसे बोल रही होती है कि क्या तुम सच में यिनशी से मिली हो क्या, लेकिन उसने तो तुम्हारे चक्कर में ही स्कूल छोड़ दिया था ना। जिसकी सारी बातें सब लोग सुन लेते हैं क्योंकि इसका फोन स्पीकर पे जो था, और यिनशी को भी मालूम हो जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि शाओ ही है। सेक्रेटरी ये सब कुछ सुनते ही उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन शाओ तो शर्म के मारे कुछ बोलती ही नहीं है। घर पहुंचने के बाद वह सारा को फोन पे वो सारी बातें बताते हुए बोलते कि मुझे बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील हो रहा है क्योंकि यिनशी ने मेरी वजह से ही स्कूल छोड़ दिया था। वहीं सेक्रेटरी के ये पूछने पर कि क्या शाओ आपका स्कूल का क्रश थी, यिनशी उसे अपने काम से काम रखने के लिए बोलता है, और यहाँ शाओ तो यिनशी के ख्यालों में ही खोई हुई थी कि टैक्सी से उतरने के बाद यिनशी ने उसका फेस कैसे प्यार से खोला था और बिना कुछ बोले ही अपनी ही अकड़ में वहाँ से निकल गया था। वेल तो नेक्स्ट डे जैसे ही शाओ ऑफिस में पहुंचती हैं, तो वहाँ पे कुछ गर्ल्स उसे बहुत ज्यादा परेशान करने लगती हैं, लेकिन वो भी उन्हें काफी अच्छा मजा चखा देती हैं। वहीं सेक्रेटरी को भी ये मालूम हो जाता है कि आज एक न्यू कमर आने वाली है जो कि बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, उसने काफी सारा अवार्ड्स भी जीते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि अपनी हीरोइन शाओ ही है। जिसके बाद वो कंपनी के हेड डिपार्टमेंट से मिलती हैं, जिसमें उनकी वाइस प्रेसिडेंट भी होती हैं।
वहाँ के मैनेजर शाओ को बताते हैं कि वो टेक्निकल डिपार्टमेंट में युनची के साथ में ही रहने वाली हैं। जैसे ही वो युनची को वहाँ देखती हैं, वो तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती हैं उसे वहाँ देखकर कि भाई अब वो उसका बॉस होने वाला है। शाओ उसे हाथ मिलाते हुए हाय बोलती है, लेकिन वो तो कोई जवाब ही नहीं देता। सोचती है कि ये तो जैसा स्कूल में था वैसा ही है और बिल्कुल भी नहीं बदला है। युनशी उसे ऑफिस दिखा रहा होता है, जहाँ अचानक से उसका पैर मुड़ जाता है। वो बस गिरने ही वाली होती है। उसे संभालते हुए बोलता है कि संभल के चलो, आगे तो और भी कांटे होने वाले हैं। ये बोलते उसे छोड़ देता है और सब देख कर उसे हंसने लग जाते हैं। कंपनी का सबसे हैंडसम लड़का युनशी ही था, जिसके पीछे सारी लड़कियां दीवानी थी, जिसमें योंग नाम की लड़की भी थी जो कि युनशी के पीछे पूरी तरह से पागल थी। शाओ और युनशी को साथ में देखकर उन्हें काफी जलन भी हो रही थी। गुस्से में शाओ उठते हुए बोलती है कि रहने दो, मैं अपना ऑफिस खुद ही देख लूंगी। युनशी उसे रोकते हुए बोलता है कि लेकिन तुम्हारा ऑफिस तो इसी फ्लोर पे है। वहीं शाओ गलती से अपने सारे पैसे कंपनी के एम्प्लॉयज को ट्रांसफर कर देती है, जिसे देखकर सारे एम्प्लॉयज तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। जैसे ही वो अपने ऑफिस में पहुंचती है, सेक्रेटरी को देखकर उसे हेलो बोलती है। शाओ का ऑफिस बिल्कुल युनशी के ऑफिस के सामने ही था, जिससे कि वो अपनी डेस्क चेंज करने की कोशिश भी कर रही होती है, लेकिन उनके पास तो कोई और डेस्क खाली नहीं था, तो इसलिए उसे वहीं बैठना पड़ता है। जैसे ही शाओ अपना रिज्यूमे देखती है, गुस्से से लाल पीली हो जाती है, क्योंकि उसमें सब कुछ झूठ लिखा हुआ था और ये सब कुछ दादाजी के असिस्टेंट ने दादाजी के कहने पर ही किया था, क्योंकि भाई वो तो उसके लिए बहुत सारी मुश्किलें लाना चाहते थे, जिससे कि वो जल्दी हार मानकर उनके वाले रिच लड़के से शादी कर ले। वही युनशी शाओ की तारीफ मारते हुए बोल रहा होता है कि वो काफी सिंसियर और एक बहुत ही अच्छी लड़की है, जिससे कि उन लोगों को तो यही लग रहा होता है कि शायद उनके बीच में अफेयर चल रहा है। युनशी के बोलने पर शाओ अपनी टीम के लिए सेक्रेटरी को चुनती है, लेकिन सेक्रेटरी उसे मना करते हुए बोलता है कि आखिरकार तुमने मुझे क्यों चूज किया, जहाँ वो उसकी बहुत ज्यादा तारीफें मारते हुए बोलती है क्योंकि तुम सबसे ज्यादा हैंडसम हो और बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड भी हो, जिससे कि वे सेक्रेटरी तो काफी खुश होकर शर्माने लग जाता है। शाओ सबको बोलती है कि जो भी मेरे साथ काम करना चाहता है वो मेरे साथ में हो सकता है, हम सब मिलकर इस कंपनी को ऊंचाई की तरफ लेकर जाएंगे। युनशी के ये बोलते ही क्या बस इतनी ही स्पीच थी तुम्हारी, शाओ उसे छेड़ते हुए बोलती है कि तुम अगर कुछ और भी सुनना चाहते हो तो वो मैं तुम्हें प्राइवेट में बोल सकती हूँ। सब तो हंसने लग जाते हैं। युनशी तो वहाँ से उठकर ही चला जाता है, जिससे कि वे सारे ऑफिस में तो शाओ और युनशी की बातें ही फैल चुकी थी। युनशी भी उन्हें सुन लेता है और अपने बॉस को देखकर तो सब उनसे माफी मांगने लग जाते हैं, जिसके बाद शाओ अपने टीम मेंबर यानी कि सेक्रेटरी और एक लड़की के साथ में एक साइट विजिट पे गई हुई होती है, लेकिन मौसम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, जिससे कि उनकी लोकेशन खो जाती है। इसलिए सेक्रेटरी अब युनशी से हेल्प मांगता है, जो कि सैटेलाइट के थ्रू उन्हें लोकेशन भी बता रहा होता है, लेकिन गलती से सेक्रेटरी से वीडियो कॉल लग जाती है, जिसके सामने शाओ भी बैठी हुई होती है और युनशी तो सारी रात भर शाओ को ही देखता रहता है। जैसे ही शाओ की नज़र फोन पर जाती है, युनशी को देखते ही उसे तो काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा होता है। सो अब उनका काम बहुत ही अच्छे से कम्प्लीट हो चुका था, इसलिए युनशी सबको पार्टी देने के लिए बोलता है। शाओ को तो बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है, इसलिए युनशी ही उसके पास जाकर बोलने लग जाता है कि हमें पुरानी बातों को अब भूल जाना चाहिए और फिर से एक नई शुरुआत करनी चाहिए। साथ ही उसे बोलता है कि आज की होने वाली पार्टी में मैं तुम्हारी फेवरेट जेलीफिश बना दूंगा। ये सुनते ही शाओ तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे अभी भी याद था कि बचपन से लेकर अब तक जेलीफिश शाओ की फेवरेट है। जिसके बाद वो लोग शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। वहाँ बहुत ज्यादा मस्ती भी कर रहे होते हैं। अचानक से जैसे ही युनशी का फोन आता है, उसके हाथ में सामान था, इसलिए शाओ उसकी हेल्प करते हुए उसके कान पे फोन लगाते हैं। नजदीक होने के चक्कर में उनकी तो हार्ट बीट ही बढ़ जाती है। साथ ही उसे कैंडी देते हुए बोलती है कि ये मैं तुम्हारे लिए शंघाई से लेकर आई थी। लेकिन युनशी की भी नज़र उसके बिल पर पड़ जाती है, जिससे कि बेचारी शाओ का तो पॉपर्टी बच जाता है, क्योंकि वो कैंडी तो उसने अभी अभी यहीं से ली थी और उसका झूठ पकड़ा गया था। जहाँ रास्ते में उनकी मुलाकात चांसू नाम की एक लड़की से होती है, जो कि शाओ को बोलती है कि तुम इसके साथ क्यों घूम रही हो, ये तो डाइवोर्सी है और इसका एक छोटा बच्चा भी है, जिससे कि शाओ भी थोड़ा सैड हो जाती है और उसे ये लगने लग जाता है कि यू भी युनशी का बेटा है, जबकि वो तो उसका भाई था। और अचानक से हंसते हुए बोलती है कि फिक्र मत करो, वो तो अभी सिंगल है, मैं तो बस मजाक कर रही थी, और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सेक्रेटरी की गर्लफ्रेंड होती है, जिसे देखकर तो वो काफी ज्यादा खुश हो गया था। खाने के टाइम पर शाओ को अपने बचपन वाली बातें याद आने लग जाती हैं कि जब वो युनशी की बहुत ज्यादा केयर करती थी, लेकिन वो तो सिर्फ और सिर्फ उसे इग्नोर ही मारता रहता था, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं।
क्योंकि भाई ये सोचने वाली बात है कि अगर युचिको शाओ की चिंता नहीं होती तो आज तक उसे ये याद होता ही नहीं कि उसकी फेवरेट डिश कौन सी है। वेल तो वे सब लोग खाते खाते गेम खेलने लग जाते हैं, जिसमें पहला सवाल युनशी से ये पूछा जाता है कि क्या आप लोग स्कूल फ्रेंड्स हैं और क्या शाओ आपके स्कूल में क्रश थी, जिस पर युनशी भी हाँ बोलता है, जिससे सुनकर शाओ तो काफी खुश हो जाती है। जिसके बाद युनशी को अकेला पाकर वो उसके पास में बियर लेकर जाती है और उसे पूछती है कि आखिरकार तुमने अपने सपने को पूरा कर ही लिया, क्योंकि बचपन से ही तुम्हें सैटेलाइट्स और टेक्नोलॉजी में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट था। जिस पर युनशी भी हामी भरते हुए बोलता है कि सैटेलाइट्स मेरी हमेशा से ही फेवरेट रही है, क्योंकि इसके थ्रू हम दो बिछड़े हुए लोगों को भी ढूंढ सकते हैं। जहां अचानक से शाओ को टूटता हुआ तारा मिल जाता है, जिससे कि वो विश मांगने लगती है, और युनशी के ये बोलने पर कि तुम्हारी विश क्या है, शाओ को अपने स्कूल की बात याद आने लगती है, जब उसने पहली बार युनशी को देखा था और देखते ही उसे तो उससे प्यार ही हो गया था और वो हर कीमत पे युनशी को अपना दोस्त बनाना चाहती थी। लेकिन भाई युनशी बहुत ही जीनियस और थोड़ा रूड था, लेकिन अपनी हीरोइन भी कुछ कम नहीं थी, वो भी हार मानती ही नहीं थी, हर जगह उसके पीछे पीछे घूमती रहती थी। साइकिल खराब होने का बहाना बोलकर युनशी के साथ ही उसकी साइकिल पर बैठ जाती थी। खाते वक्त बस उसका ब्रेसलेट गिरने ही वाला होता है, लेकिन युनशी उसे बचा लेता है, जिस पर वो बोलती है कि ये मेरी ग्रैंड मॉम की आखिरी निशानी है, जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा खास है। शाओ ने युनशी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट लिया हुआ होता है, क्योंकि उसने उसकी बहुत ज्यादा हेल्प जो की थी। शाओ का आज बर्थडे था, सामने से ही उसके लिए कोई केक लेकर आ रहा होता है, जिससे कि वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि शायद ये युनशी है, लेकिन वो तो उसका दोस्त निकलता है। युनशी भी बाहर खड़ा होकर सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन शाओ केक का सबसे पहला पीस लेकर उसके पास ही जाती है, जिससे कि उसके दोस्त को तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि केक तो तुम्हारे लिए मैं लेकर आया था। लेकिन युनशी तो वहाँ से ही गुस्सा होकर जाने लग जाता है। शाओ उसे रोकते हुए घर पर बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करती है, लेकिन वो तो उसके लिए भी साफ साफ मना कर देता है, जिससे कि शाओ को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, रोते हुए उसके मुंह पे वही गिफ्ट फेंक कर जाने लगती है, जो कि उसने उसके लिए बहुत प्यार से खरीदा था। ये सब कुछ सोचते हुए शाओ अपने पास्ट से बाहर आती है और युनशी को बोलती है कि हम सब कुछ भूल कर अब दोबारा से एक नई शुरुआत करेंगे और सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान देंगे। नेक्स्ट सीन में शाओ वॉशरूम में दो गर्ल्स को आपस में बातें करते हुए सुन लेती हैं, जो कि बोल रही थी कि लगता है कि मिस्टर युनशी और शाओ का अफेयर चल रहा है, और वो ये सारी बातें रिकॉर्ड भी कर लेती हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर आकर कॉफी लेने के लिए जाती हैं, उसके पास तो पैसे ही नहीं थे और ये सारी चीजें यांग ने भी देख ली होती है। ऑफिस आने के बाद वो देखती है कि वाइस प्रेसिडेंट युनशी को बहुत ज्यादा डांट रही होती है, क्योंकि आजकल युनशी का ध्यान काम पर है नहीं, शायद उसकी लाइफ में कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है, जिससे कि टेक्निकल डिपार्टमेंट में बहुत ही ज्यादा एरर्स आ रही हैं, और अगर उसने ये सारी एरर्स ठीक नहीं की तो उसका जल्दी यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में शाओ युनशी के लिए बहुत ही ज्यादा टेस्टी टेस्टी खाना लेकर वहाँ पर पहुँची हुई होती है, जिसे देखकर युनशी बोलता है कि क्या बात है, तुम मुझे इतना मक्खन क्यों लगा रही हो। वो बोलती है मैं तो पहले से ही बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड हूँ। साथ ही उसे बोलती है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट के साथ में तुम्हारी कुछ प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हारी उसमें हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन भाई अपना रूड हीरो तो हमेशा की तरह ही उसे इन सबसे दूर रहने के लिए बोल देता है। जिस तरह से वो दोनों एक दूसरे के इतने नजदीक आकर बातें कर रहे थे ना, सेक्रेटरी भी उन्हें ऐसे देख लेता है और उसे तो कुछ और ही लगने लग जाता है। वही रात के टाइम पर युनशी के साथ में सारा स्टाफ खाने के लिए वहाँ पर पहुँचा हुआ था, लेकिन शाओ तो उनमें थे ही नहीं, क्योंकि वो तो बेचारी ऑफिस में ही देर रात तक रुक कर अपना काम कर रही होती है, क्योंकि उसने ये बात ठान ली थी कि वो हर हाल में युनशी की हेल्प करके ही रहेगी और उसकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देगी। और जैसे ही बात युनशी को मालूम होती है कि शाओ तो अभी तक ऑफिस में ही है, वो तो ऑफिस के नीचे जाकर ही उसका वेट करने लग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ युनशी से सीधे मुंह बात ही नहीं कर रही होती है, क्योंकि उसने उसकी हेल्प लेने से जो इनकार कर दिया था। और जैसे ही शाओ को सेक्रेटरी से ये मालूम होता है कि सारे फसाद की जड़ कोई और नहीं बल्कि युनशी के एक क्लाइंट मिस्टर गी हैं, जिनके साथ में कुछ टेक्निकल एरर आ रही है, वो तो सीधा उनसे मिलने के लिए पहुंच जाती है। मिस्टर गी एक बहुत ही अकड़ू और लूज करेक्टर वाले इंसान थे, जो कि बार बार शाओ को ढूंढने का कोई न कोई बहाना ढूंढ रहे थे। चंट योंग भी वहीं पर होती है, जो कि उनकी वीडियो बनाकर सीधा युनशी को ही भेज देती है। युनशी भी वहाँ पर पहुँच जाता है, बाहर ही उनका वेट करने लग जाता है, जहाँ मिस्टर गी शाओ को जाते हुए बोलते हैं कि मैं आपकी कंपनी से दोबारा कॉन्टेक्ट करने के बारे में सोचूंगा।
जहाँ अचानक से मिस्टर की का बेटा पहुँच जाता है जो कि उनसे भी ज्यादा डबल लूज करेक्टर का होता है। शाओ पर बहुत ज्यादा लाइन मारने लग जाता है और उसे घर छोड़ने के लिए बोलता है, लेकिन जिसके लिए शाओ साफ मना कर देती है। यूनशी भी बाहर से सब कुछ देख रहा होता है और मैसेज करते हुए शाओ को अपना ध्यान रखने के लिए बोलता है, जो कि शाओ को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है क्योंकि वो तो जानती नहीं थी कि यूनशी ये सब कुछ देख रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग यूनशी शाओ को अपने ऑफिस में बुलाकर वो लास्ट नाइट वाली वीडियो दिखाने लग जाता है, जिसमें शाओ यूनशी के बारे में बोल रही होती है कि मेरे बॉस एकदम पागल है जिन्हें की कुछ भी आता ही नहीं है और इसीलिए तो उन्होंने मेरी जैसी एकदम स्मार्ट असिस्टेंट को हायर किया हुआ है। शाओ तो एकदम मासूम शक्ल बनाते हुए बोलती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी। यूनशी उसे डांटते हुए बोलता है कि तुम्हें वहाँ पर जाना ही नहीं चाहिए था क्योंकि मिस्टर गी बिल्कुल भी सही आदमी नहीं है। वहीं भाई अपने सेक्रेटरी और उसकी गर्लफ्रेंड जानसू का तो एक अपना ही रोमांस चल रहा था, दोनों एक दूसरे को हार्ट पास कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में यूनशी शाओ को मिस्टर लिंग के पास बिजनेस मीटिंग के लिए लेकर पहुंचा हुआ होता है, जो कि उन्हें पहले से ही जानता था क्योंकि वो उसके प्रोफेसर रह चुके थे, जो कि उनके नेक्स्ट प्रोजेक्ट में उनकी काफी हेल्प भी कर रहे थे। डिनर के लिए सब जा रहे होते हैं, जहाँ शाओ की एक मस्त सी एंट्री होती है जिसे तो सब देखते रह जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जो लग रही थी। यूनशी की तो नजरें ही इसके ऊपर से नहीं हट रही थी, जिसके बाद लेट नाइट तक यूनशी को काम करते हुए देखकर शाओ उसके पास जाती हैं बियर लेकर। यूनशी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है। शाओ की तो हार्ट बीट ही फास्ट हो गई थी। यूनशी उसके चेहरे से कुछ हटाते हुए बोलता है कि तुम्हारा मेकअप निकल रहा है, जिससे कि वही अपनी हीरोइन तो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है, जहाँ वो स्माइल करते हुए बोलता है कि सच में आज तुम काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। शाओ ड्रिंक करते हुए यूनशी से बोलती है कि तुम अपनी जॉब से रिजाइन देकर ये सारा काम मुझ पे क्यों नहीं छोड़ देते हो। यूनशी भी उसे मुस्कुराते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ में काम करके बहुत खुश हूँ। शाओ के पास पैसे खत्म हो जाने के कारण वो अपना एक डिजाइनर पर्स योंग को बेच देती है, जिसके बाद वो यूनशी के पास जाकर इनोवेशन कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए बोलती है। यूनशी पूछता है कि तुमने पहले तो उसके लिए साफ साफ मना कर दिया था ना, तो फिर अचानक से क्या हो गया है। शाओ भी अपनी क्यूट क्यूट सी हरकतें करने लग जाती हैं और बोलती है कि मैं तो बस तुम्हारे साथ रहकर थोड़ा बहुत काम सीखना चाहती हूँ, लेकिन यूनशी तो समझ चुका था कि उसे पैसों की सख्त जरूरत है। नेक्स्ट सीन में यूनशी शाओ को अपने दोस्त लिंग से मिलवाने के लिए ले जाता है, जो कि कॉलेज का उसका एक बहुत ही अच्छा दोस्त था। लिंग से मिलने के बाद शाओ का मन केक खाने का होने लगता है कि स्कूल का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कोई उसके लिए हमेशा केक लेकर आता था, और अब यूनशी उसे फाइनली ये बात बता ही देता है कि वो कोई और नहीं बल्कि यूनशी ही था। शाओ के ये पूछने पर कि तुम ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, यूनशी उसे बोलता था कि तुम तो बस भुक्कड़ों की तरह ही केक पर टूट पड़ती थी, ये जानने की तो तुमने कभी कोशिश भी नहीं की थी वो केक तुम्हारे लिए कौन भेजता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यूनशी और शाओ आपस में चैट पे लगे हुए होते हैं। यान को देखते ही वो अपनी चैट छुपा लेती है ताकि उनके बारे में कोई भी गलत ना सोचे। सारा काम फिनिश होने के बाद शाओ फिर यूनशी के पास आती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा ही रूमर सुने हुए, तुम्हारा चक्कर बहुत सारी लड़कियों के साथ चल रहा है और तुम सब पर फ्लर्ट मारते फिरते हो। यूनशी उसे इन सारे रूमर से दूर रहने के लिए बोलता है, जहाँ पर अचानक से मिस्टर वांग भी पहुँच आते हैं और बोलते हैं कि वैसे भी बहुत लेट हो गया है और अब आप दोनों को यहाँ से अपने घर चले जाना चाहिए, जिस पर शाओ उसे बोलती है कि क्यों ना आज लेट नाइट वर्क के लिए तुम मेरे घर आ जाओ। जिसके बाद फिर यूनशी भी शाओ के घर पहुँच जाता है और उसके घर को अच्छे से दिख दाखकर वो बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है, जो कि दिखने में तो काफी ज्यादा सैड भी लग रहा था। शाओ के पूछने पर वो बोलने लग जाता है कि उसके एक फ्रेंड का हार्ट सर्जरी होने वाली थी, लेकिन उसका डॉक्टर सर्जरी से पहले ही फॉरेन कंट्री चला गया है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। शाओ उसे बोलती है कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ फिर तो चिंता वाली कोई बात ही नहीं है, एक्चुअली मेरे एक अंकल कार्डियोलॉजिस्ट है और मैं उनसे बोलकर तुम्हारे दोस्त की सर्जरी आराम से करवा दूंगी, इसलिए तुम फिक्र मत करो। जहाँ पर फिर लिंग भी पहुँच जाता है और उसका इतना शानदार सा घर देखकर उसकी तारीफ मारते हुए बोलता है कि ये कहीं तुम्हारे बॉयफ्रेंड का तो नहीं है। यूनशी बोलता है कि नहीं नहीं, उसका तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। लिंग के ये पूछने पर कि क्या वो सिंगल है, शाओ उसे बोलती है हाँ, तो क्या तुम्हारी नजर में ऐसा कोई है। लिंग बोलता है कि नहीं तो फिलहाल तो ऐसा कोई नहीं है। शाओ यूनशी की साइड देखते हुए बोलती है कि वैसे मुझे कोई बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। जहाँ पर अचानक से फिर उनकी डोरबेल बजती है टिंग टोंग,
और वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि शव का पड़ोसी आकर उन्हें केक देते हुए बोलता है कि आज मेरे बेटे का बर्थडे था, जिसे देखकर तो भाई युनशी को काफी ज्यादा जालसी हो रही होती है। और जैसे ही उनका काम फिनिश होता है वो वहाँ से जा रही होती है। शव तो केक खाने वाली होती है लेकिन युनशी ना तो खुद खाता है और ना ही वो शव को खाने देता है। साथ ही जाते हुए शव को ये भी बोलने लग जाता है कि किसी के लिए तुम्हें रात को डोर ओपन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। घर वापस जाते टाइम लैंग उससे पूछता है कि क्या तुम सच में शव के लिए कुछ फील करते हो, तो युनशी उसे बोलता है कि हाँ मैं उसे बहुत ही ज्यादा लाइक करता हूँ और मैं नेक्स्ट ईयर ये कंपनी भी छोड़ दूंगा क्योंकि मेरे कुछ और भी प्लान्स हैं। मॉर्निंग के टाइम पर फिर युनशी हॉस्पिटल में शव के डॉक्टर अंकल का वेट कर रहा होता है, जो कि उसके पास आते ही उसे समझाते हुए बोलते हैं कि बेटा चिंता वाली कोई बात नहीं है, तुम्हारा दोस्त बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और मुझे लगता है कि शव को तुम्हारी कुछ ज्यादा ही चिंता है क्योंकि उसने पूरी रात पर मुझे फोन करते हुए बहुत ज्यादा परेशान जो किया था। ये सुनते ही युनशी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि शव के चक्कर में ही उसके फ्रेंड का सिटी के बेस्ट डॉक्टर से जो इलाज हो रहा था। जैसे ही फिर शव का फोन आता है वो उसे थैंक यू बोलता है, साथ ही उसके काम के बारे में भी पूछने लग जाता है। शव बोलती है कि फिक्र वाली कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगी। जहाँ पर तभी वाइस प्रेसिडेंट शव के पास क्लाइंट के सिग्नेचर को चेक करने के लिए पहुँच जाती है। वही युनशी भी अपने दोस्त के होश में आने के बाद हॉस्पिटल से सीधा बाहर निकल कर शव के पास आता है, उसको मिलता है और उसे अपना मफलर भी देने लगता है क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड जो हो रही थी। वही वाइस प्रेसिडेंट गांव को शव को कंपनी से ही निकालने के लिए बोल रही होती है क्योंकि उसने अपने क्लाइंट के साथ में ड्रंक होकर सिग्नेचर जो लिए थे, जिसके लिए चांस उसे वहाँ से हुई सारी बातें बताते हुए ऐसा करने से रोकने लगती है। साथ ही उसने तो युनशी को भी कॉल करके सब कुछ बता दिया होता है जो कि शव के साथ डिनर के लिए वहाँ पर आया हुआ था। युनशी उसे फोन पर बोल रहा होता है कि मुझे ये लड़की बहुत ही ज्यादा पसंद है जो कि शायद अभी भी छुप छुप कर हमारी सारी बातें सुन रही होगी। और वहाँ पर ऐसा ही हो रहा था, शव उनकी बातें छुप कर सुन रही थी, यानी कि भाई उसका पूरा भांडा फूट चुका था और इसलिए अब तो वो युनशी की तारीफें मारने लग जाती है। युनशी उसे रोकते हुए और डांटते हुए बोलता है कि वो क्लाइंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, तो अब तो पहले तुम मुझसे ये प्रॉमिस करो कि तुम आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, जिसके लिए शव भी रेडी हो चुकी थी। जैसे ही वो लोग रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं ना, शव को उसके स्कूल का फ्रेंड लिन मिल जाता है। लिन से पूछता है कि क्या तुम दोनों साथ में हो। शव वॉज लाइक कि नहीं, युनशी मेरे सीनियर है और साथ ही मेरे बॉस भी है। जिसके बाद लिन तो उन्हें स्कूल की रियूनियन पार्टी में ही ले जाता है, जहाँ हम सूजी को देखते हैं जो कि स्कूल टाइम से ही युनशी की दीवानी थी। और ये सब कुछ तो शव की फ्रेंड उसे बता रही थी। वहीं सूजी युनशी के पीछे पीछे घूम रही होती है, वो उससे बात करना चाहती थी लेकिन जैसे ही युनशी देखता है कि भाई शव को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, वो तो उसे अवॉइड ही मारने लगता है। जिसके बाद सारे लोग टीम्स बनाकर ऑनलाइन गेम खेल रहे होते हैं, जहां शव का एक फ्रेंड ये शर्त लगाने लग जाता है कि अगर उसकी टीम हारी तो वो उसके साथ में डेट के लिए जाएगी, जिससे कि शव भी मान जाती है। ये सुनते ही युनशी का तो पूरी तरह से दिमाग खराब हो जाता है कि मेरे होते हुए वो किसी और के साथ डेट पर आखिरकार कैसे जा सकती है। और फिर भाई गुस्से ही गुस्से में युनशी तो गेम भी जीत जाता है, मतलब कि शव को अब डेट पर जाना नहीं पड़ेगा। जैसे कि उसकी दोस्त भी उसे चिढ़ाते हुए बोलती है कि साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि वो तुम्हारे लिए ही खेल रहा है। शव तो फिर अपनी फ्रेंड को ही चुप कराने लगती है, जिसके बाद युनशी शव को घर छोड़ने के लिए बोलता है, लेकिन शव तो उससे नाराज थी। बोलती है कि मैंने तो सोचा था कि शायद तुम ये गेम बस एंजॉय करने के लिए ही खेल रहे हो। युनशी भी उसे बोलने लग जाता है कि लेकिन तुम्हारे फेस को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि शायद तुम उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करती हो। दोबारा से उसे रोकते हुए बोलती है कि वैसे अब तुम्हें मेरे फेस को देखकर क्या लगता है। युनशी तो उसे गले ही लगाने लग जाता है। शव उससे दूर होते हुए बोलती है कि तुम ना बहुत ही अजीब हो और शायद इसलिए अभी तक तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। युनशी बोलता है कि हाँ मेरी एक ऑनलाइन गर्लफ्रेंड थी लेकिन मेरा उसके साथ में ब्रेकअप हो गया। शव उसे बोलती है कि वैसे मेरा भी तो एक ऑनलाइन बॉयफ्रेंड था, जिसे कि मैंने तो बहुत ही अच्छे से गेम खेलना सिखाया हुआ था लेकिन वो तो मुझे टाइम देता ही नहीं था और इसलिए मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया था। जिससे कि अब युनशी तो बहुत ही अच्छे से समझ आता है कि वो उसकी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि शव हुई थी, लेकिन हमारी झल्ली हीरोइन शव को तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। वहीं दादाजी ने भी अपने असिस्टेंट को शव पर नजर रखने के लिए भेजा हुआ था। जैसे ही उसे युनशी के बारे में सब कुछ मालूम होता है वो तो उसी के ऊपर वार करने लगता है और इसलिए शव फिर उसे उसका मफलर लौटाते हुए बोलती है कि हमें अब थोड़ा दूर ही रहना चाहिए क्योंकि ऑफिस में अब सब हमारे बारे में उल्टा सीधा सोच रहे हैं।
युनशी भी फिर इसकी बात मानते हुए अपना मफलर दोबारा से पहन लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ अपनी कंपनी में जाते हुए दादाजी के साथ टकरा जाती है, जो कि कंपनी विजिट के लिए वहाँ पर पहुँचे हुए थे, जहाँ वो फिर शाओ को एक एम्प्लॉय मानते हुए सबसे पहले लिफ्ट में जाने के लिए बोलते हैं। लेकिन शाओ फिर उन्हें ये बोलते हुए वहाँ से जाने लग जाती है कि अगर आप चेयरमैन है तो क्या हुआ, हम भी तो आपकी कंपनी के लिए दिन रात काम में लगे रहते हैं ना। नेक्स्ट सीन में शाओ अपनी फ्रेंड के साथ में गेमिंग सेंटर में पहुंची हुई होती है और वो खुद एक गेमर होने के नाते स्टार गेमर के साथ में बैठ जाती है। लेकिन वहीं सेक्रेटरी यू लाइव स्ट्रीमिंग में शाओ को भी देख लेता है, जिसके बाद युनशी भी सेक्रेटरी से गेम का लिंक मांगते हुए शाओ को देखने लग जाता है उसकी स्ट्रीमिंग को। शाओ भी ये सोच रही होती है कि क्या सच में युनशी ने उसे देखा होगा, और इसलिए वो तो उसे टेक्स्ट ही करने लग जाती है। सारे वॉचर्स के लाइव पर कमेंट पढ़ने के बाद वो स्टार गेमर भी शाओ से पूछता है कि क्या तुम किसी को टेक्स्ट कर रही हो, जिस पर वो बोलती है कि हाँ वो अपने बॉयफ्रेंड से ही बात कर रही थी। ये देखते ही युनशी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, वो तो फूला नहीं समा रहा होता है, और इसलिए इसी खुशी में वो भी सबको पार्टी देने लगता है। वहीं शाओ भी अपनी दोस्त को बोल रही होती है कि आज उसने लाइव स्ट्रीमिंग पर युनशी को बॉयफ्रेंड ही बोल दिया है, तो अब अगर उसने लाइव देख लिया वो तो फिर क्या होगा। और फिर फटाक से उसे फोन लगाते हुए बोलती है कि वो तो मैंने गलती से ही बोल दिया था, जहां फिर युनशी भी बहाना मारते हुए बोलता है मैं तो जानता ही नहीं हूं कि आखिरकार तुम किस चीज की बात कर रही हो, जिससे कि भाई शाओ तो फिर चैन की सांस लेने लगती है। जिसके बाद शाओ के ये बोलने पर कि मैं शंघाई जा रही हूँ, युनशी भी उसके साथ चलने के लिए बोलता है और कहता है कि हम लोग साथ में ही आने वाले न्यू ईयर को सेलिब्रेट करेंगे। नेक्स्ट सीन में फिर जैसे ही शाओ अपने ऑफिस पहुँचती है ना, योंग तो शाओ के खिलाफ सारे ऑफिस वालों को भड़का रही होती है, जहाँ पर अचानक से युनशी पहुँच जाता है और सबको बोलता है कि वो मेरी ही टीम में है, तो इसलिए अभी फिलहाल वो मेरी ही जिम्मेदारी है। वहीं शाओ को भी बहुत बुरी तरह से कोल्ड हो चुका था, जो कि अपने ग्रैंडफादर को फोन पे बोलने लग जाती है। दादाजी तो उसे हार मानने के लिए बोल रहे होते हैं, लेकिन शाओ भी कहां ही मानने वाली थी, क्योंकि भाई वो तो अपनी ही जिद पर जोड़ी हुई थी। वहीं फिर योंग भी अपने गैंग के साथ में बैठकर युनशी की बहुत ज्यादा बुराइयां मार रही होती कि वो तो बहुत ही गरीब है, जहां पर अचानक से शाओ अपनी पूरी टीम के लिए कॉफी लेने के लिए जाती है। योंग को जाकर हाय बोलती है, जिससे कि वो कॉफी शॉप वाला लड़का बोलता है कि क्या योंग आपकी दोस्त है, और अगर हाँ मैं आपको बहुत सारा डिस्काउंट दूंगा। ये जानने के बाद कि भाई बिल की पेमेंट कोई और नहीं बल्कि योंग देने वाली है, शाओ तो अपना चंट दिमाग लगाते हुए बहुत सारे ऑर्डर्स देकर आ जाती है, जिससे कि भाई योंग के तो होश ही उड़ जाते हैं। युनशी के ये पूछने पर कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है, शाओ उसे बोलती है कि सब कुछ ठीक है, मैं तो बस अपना बदला ले रही थी। गलती से उसने युनशी का हाथ थाम लिया था और फटाक से उसे छोड़कर शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद वो असिस्टेंट को फोन कर बोलती है कि युनशी का यहाँ पर किसी के साथ में कोई भी अफेयर नहीं चल रहा है। वो उसे एक फोटो भेजता है, जिसे देखते ही शाओ को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उस फोटो में मिस लिम उसकी बहुत ही ज्यादा करीब थी, जिससे कि फिर वो तो युनशी को बार बार इग्नोर ही मारने लग जाती है। युनशी भी बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाता है कि आखिरकार इसका हुआ क्या है। मीटिंग में जाने से पहले वो उसे मेडिसिन देता है, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। जैसे ही वो लोग फिर मीटिंग में पहुँचते हैं, सबसे पहले शाओ उस क्लाइंट से माफी मांग रही होती है, लेकिन वो क्लाइंट तो उल्टा उसे ही बोलने लग जाता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बस एक्टिंग ही कर रही हो। ये सुनते ही युनशी शाओ की साइड से माफी मांगने लग जाता है, जिस पर वो क्लाइंट भी बोलने लग जाता है कि अगर शाओ ने उनके साथ में ड्रिंक की तो वो सब कुछ भूल जाएगा और शाओ को भी माफ कर देगा। लेकिन युनशी शाओ को रोकते हुए उसकी साइड से खुद ही ड्रिंक करने लग जाता है, जिससे कि वो तो कुछ ज्यादा ही नशे में हो गया था। जिसके बाद फिर शाओ उसे संभालने लग जाती है। युनशी भी शाओ को सैटेलाइट पे कुछ दिखा रहा होता है, जिससे कि वो लोग तो कुछ ज्यादा ही नजदीक आ जाते हैं, जिससे कि भाई अपनी हीरोइन की तो हार्ट बीट ही फास्ट हो जाती है। जैसे ही फिर वो पीछे मुड़ती है तो गलती से फिर उनकी फर्स्ट किस भी हो जाती है, जिसके बाद तो वो दोनों बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। वो बार बार उसी मोमेंट के बारे में सोचने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर एक एम्प्लॉय आकर युनशी से बोलता है कि बॉस लेडीज टॉयलेट में किसी ने कैमरा छुपा कर रखा हुआ है, जहां पर अचानक से शाओ भी पहुंच जाती है और रात में उनके बीच जो कुछ भी हुआ था उसके चक्कर में वो तो युनशी से यहां वहां छुपती फिर रही थी। बाथरूम में वो बस जाने वाली होती है, लेकिन युनशी उसे रोक लेता है और जबरदस्ती वो उसे बॉस टॉयलेट में ही भेज देता है। वही बेचारा सेक्रेटरी, जिसे कि बहुत जोर से वॉशरूम जाना था, शाओ के चक्कर में वो तो अपने वॉशरूम में जा ही नहीं पाता है। लिटरली गाइस ये सीन ना बहुत ही ज्यादा फनी
लग रहा था। सबका शक तो योंग के बॉयफ्रेंड मिंग के ऊपर जा रहा होता है, लेकिन पुलिस को उसके सिस्टम में से चांसू की फोटो के अलावा और कुछ मिलता ही नहीं है, क्योंकि वो चांसू को बहुत ही ज्यादा लाइक करता था और इसीलिए उसकी फोटो उसके पास में थी। ये देखते ही सेक्रेटरी यू को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली चांसू उसकी गर्लफ्रेंड जो थी। मिंग को मारने के चक्कर में गलती से शाव को चोट लग जाती है और जैसे ही ये बात यूनजी को मालूम होती है ना, वो तो भागते हुए हीरो स्टाइल में आता है, शाव को उठाकर वहाँ से अपनी गोद में लेकर जा रहा होता है हॉस्पिटल। सारा स्टाफ उन्हें देखकर काफी ज्यादा शॉक हो रहा था। वहीं मिंग के चक्कर में चांसू और सेक्रेटरी यू का भी झगड़ा हो चुका था। हॉस्पिटल में तो यूनजी शॉक का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहा होता है, लेकिन अचानक से उसके पास मिस लियम का फोन देखकर शाव तो यूनजी से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे बार बार ही इग्नोर मार रही थी। वही फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहां यूनजी शाव को दूर से ही देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। टीचर ने भी उसे देख लिया था और उसे बोला था कि फिलहाल तो तुम्हारा फोकस पढ़ाई होना चाहिए और उसके बीच में किसी को भी मत आने देना। यूनजी का बचपन बहुत सारी कठिनाइयों में बीता था, जिसने कि अपने बचपन में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल किया है, क्योंकि उसके डैड बहुत ज्यादा पुअर थे और उन्होंने लोन लेकर उसे पढ़ाई के लिए ही दूसरी सिटी भेज दिया था और इसीलिए वो उस दिन शाव के बर्थडे पार्टी में नहीं जा पाया था, लेकिन उसने उसका गिफ्ट हमेशा के लिए अपने पास रख लिया था। सब कुछ सोचने और समझने के बाद फाइनली यूनजी शाव को अपनी सारी फीलिंग कन्फेस करने लगता है, लेकिन वो उसे बोलती है कि मैं बाद में तुम्हें सोच कर बता दूंगी, जिससे कि यूनजी तो थोड़ा सा सैड भी हो गया था। वहीं चांसू को मनाने के लिए सेक्रेटरी कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा था, लेकिन वो तो मान ही नहीं रही थी और अपनी जिद पर ही अड़ी हुई थी। नेक्स्ट डे जैसे ही ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के लिए शाव का बयान लेने के लिए वहां पर आते हैं, शाव को अपने डैड की डेथ का सीन याद आने लग जाता है और वो तो बेहोश होने वाली थी, लेकिन यूनजी उसे संभाल लेता है और सारे ऑफिसर्स को भी अपनी साइड से बयान देने लगता है। नेक्स्ट सीन में मिंग दोबारा से अपनी गंदी गंदी चाले चलने लग जाता है और कंपनी को गलत डिजाइन बेचकर सारा इल्जाम शाव के ऊपर डाल देता है। जैसे ही ये बात यूनजी को मालूम होती है, उसे तो मिंग के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और शाव ने भी दादाजी से बोलकर मिंग का ट्रांसफर किसी दूसरी कंपनी में ही करवा दिया था, जिससे कि मिंग तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए बोलते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यूनजी को शाव की बहुत ज्यादा चिंता थी और इसलिए उसने सेक्रेटरी यू को शाव के पीछे लगाया हुआ था, जिससे कि उसे उसकी पल पल की खबर मिल सके। अपने काम को और अच्छा और बेहतर बनाने के लिए शाव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रही होती है, जिसमें यूनजी भी उसकी पूरी पूरी हेल्प कर रहा था। नेक्स्ट डे जैसे ही यूनजी देखता है कि शाव को ड्रॉप करने के लिए उसका नेबर लू उसके साथ में आया है, उसे तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जहाँ शाव उसे समझाते हुए बोलते हैं कि उसे कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी और इसीलिए वो उसके साथ आई है, जिससे कि फाइनली जाकर यूनजी का थोड़ा गुस्सा शांत हो जाता है। मीटिंग रूम में टेक्निकल डिपार्टमेंट के हेड को चुनने के लिए वोट हो रहा था, जिसमें वोट तो सबने यूनजी को ही दिया था, लेकिन दादाजी के चलते शाव को वहां का हेड बना दिया जाता है, जिससे कि सारा स्टाफ उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सेक्रेटरी मिंग और यू के बीच में तो लड़ाई ही होने लग जाती है, जिससे कि शाव को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उनके ऊपर चिल्लाकर वहां से जाने लगती है, जिसके बाद यूनजी उसे समझाते हुए कहता है कि अब तुम यहाँ की हेड हो और इसलिए तुम्हें उनके ऊपर ऐसे नहीं चिल्लाना चाहिए, बल्कि उनसे प्यार से बात करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में सेक्रेटरी यू ने शाव को यूनजी के बचपन से लेकर अब तक सारी प्रॉब्लम्स के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया होता है, जिससे कि वो भी थोड़ा सैड हो जाती है। भागते हुए यूनजी के पास जाकर बोलती है कि अब से मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी और भाई बनकर तुम्हारा ध्यान रखूंगी। यूनजी भी उसे मुस्कुराते हुए बोलता है कि लेकिन मुझे तुम्हें भाई बनाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो तुम्हें गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ, और ये बोलकर उसे छेड़ने लगता है। कंपनी ने स्टाफ को प्रोजेक्ट देकर कुछ दिन की छुट्टी दी हुई होती है और इसलिए यूनजी अपने घर जा रहा था। शाव के पास भी रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि मैडम के पास तो पैसे ही नहीं थे और इसलिए वो भी यूनजी के बोलने पर उसके साथ में उसके घर ही पहुंच जाती है। यू भी तो उसे देखकर बहुत ज्यादा जलस हो रहा होता है कि उसका भाई शाव के साथ में जो आया था। यूवी और शाव साथ में गेम खेल रहे होते हैं, जहां यूनजी आकर यूवी को पढ़ाई के लिए भेजकर खुद शाव के साथ में जाकर गेम खेलने लग जाता है। जैसे ही दोनों खाना खा रहे होते हैं, उनके बीच में भी आकर वो बैठ जाता है। बोले तो अपना हीरो बार बार हीरोइन के पास और साथ रहने का बहाना ढूंढ रहा था, लेकिन हमारा छोटा मास्टर भी बहुत चंट था, जो कि उन्हें मौका देता ही नहीं था। शाव को बहुत जोर से वॉशरूम जाना था, लेकिन यू भी उसे ये बोलते हुए डराने लग जाता है कि बाहर एक भूत है। डरते हुए शाव जा रही होती है, लेकिन अचानक से वहाँ पर यूनजी पहुँच जाता है। उसे देखकर वो तो काफी बुरी तरह से डर जाती है।
नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ के यूवी से ये बोलने पर कि जल्दी से अपना मिल्क शेक पी लो, मैं तुम्हें एक क्यूट सी किस दूंगी। यूवी तो वहाँ से अपने स्कूल के लिए भाग जाता है, लेकिन अपना हीरो युनशी सारा का सारा मिल्क शेक फटाक से ये सोचकर पीने लग जाता है कि शायद अब उसे भी किस तो मिल ही जाएगी। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि शाओ तो उसके ऊपर जोर जोर से हंसने लगती है। नेक्स्ट सीन में अब कंपटीशन का दिन भी आ चुका था, जहां पर एंट्री होती है मिस्टर फैंग की, जो कि शाओ के बचपन का दोस्त है और एक बहुत ही बड़ी कंपनी का मालिक भी है। युनशी को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि उसकी और फैंग की दोस्ती हो सकती है, क्योंकि युनशी तो सीधा सीधा फैंग को इग्नोर मार रहा था। युनशी का बेस्ट फ्रेंड लिंग भी वहीं पर था, जो कि बोलता है कि मैंने अभी अभी ली को देखा है और शायद फैंग भी यहीं पर है। एंड गाइस यहाँ पर हमें ये मालूम होता है उसकी बातों से कि ये चारों ही कॉलेज के बहुत ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन फैंग और ली ने मिलकर शाओ की कंपनी में एक बहुत ही बड़ा घोटाला कर दिया था और युनशी को धोखा देकर फैंग फॉरेन कंट्री ही चला गया था, जिसके बाद ना चाहते हुए भी कंपनसेशन के तौर पर युनशी को इस कंपनी में मजबूरन ही काम करना पड़ रहा है, जिसमें उसकी हेल्प मिस लियोन ने की थी और वो बस उसकी एक अच्छी दोस्त है। कंपटीशन में हेरा फेरी करके फैंग को तो फर्स्ट प्राइज मिल जाता है और बेचारा अपना युनशी सेकंड पोजीशन पर पहुंच जाता है, जिससे कि शाओ को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने बचपन के दोस्त यानी फैंग के पास आकर बोलती है कि युनशी से दूर रहो और अब उसको परेशान करना भी छोड़ दो। घर जाते वक्त दादाजी शाओ को अपने साथ में ले जाते हैं और उसे युनशी के बारे में पूछते हैं, तो वो बोलते हैं कि हम बस अच्छे दोस्त हैं और वो मेरा सीनियर है। वहीं फैंग और युनशी भी आपस में भिड़ने लग जाते हैं और एक दूसरे को बोलते हैं कि शाओ से दूर रहना, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मिस लियोन से युनशी मिलने के लिए पहुंचा हुआ होता है और उन्हें बोलता है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट अब कंप्लीट हो चुका है और इसलिए वो जल्द से जल्द इस कंपनी को छोड़ने वाला है। जिसके बाद जैसे ही वो शाओ को फोन करता है, तो उसे ये मालूम होता है कि शाओ एक कंपनी के साथ डील करने के चक्कर में उनके साथ में ड्रिंक कर रही होती है, जिन्होंने उसे बहुत ज्यादा ड्रिंक पिला दी थी, जिससे कि उसकी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई है। युनशी तो भागते हुए उसके पास जाता है और जाकर सीधा शाओ को संभालने लगता है, साथ ही उन सबकी वीडियो बनाकर भी उनके बॉस को भेज देता है और उनका बॉस उन सबको जॉब से ही निकाल देता है उनकी इस हरकत के चलते। युनशी शाओ को समझाते हुए बोलता है कि उन्हें तुम्हारे साथ डील में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, वो तो सिर्फ तुम्हारा यूज करना चाहते थे। ये सुनते ही शाओ तो बहुत जोर जोर से रोने लग जाती है, जो कि काफी ज्यादा क्यूट भी लग रही थी। नेक्स्ट डे जैसे ही युनशी शाओ को लेने के लिए उसके घर जाता है, देखता है कि उसका नेबर लू उसके ऊपर लाइन मार रहा है, लेकिन वो शाओ को वहाँ से ले जाता है। शाओ के पास लिंग का फोन आता है, जिससे उसे मालूम चल जाता है कि फैंग की चोरी पकड़ी गई है और इसलिए फर्स्ट प्राइज युनशी को मिल गया है। शाओ तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वही सेक्रेटरी यू ने चांसु के लिए अपने एक फ्रेंड से मूवीज के टिकट भेजे हुए होते हैं, लेकिन वो तो शाओ के नेबर लू के साथ ही मूवी देखने के लिए पहुंच जाती हैं, जिसे देखकर युनशी शाओ और उसके बीच में जाकर बैठ जाता है। और वहीं जैसे ये बात सेक्रेटरी यू को मालूम चलती है, वो तो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ में मूवी देख रही थी। नेक्स्ट सीन में शाओ अपनी फ्रेंड की हेल्प से इवेंट में पहनने के लिए सूट लाकर युनशी को देती है, साथ ही उसे एक कपल नेकलेस भी पकड़ा देती है। इवेंट का दिन स्टार्ट हो जाता है, सब लोग मिलकर सारी तैयारी में लगे हुए थे और वहीं दादाजी उस इवेंट के बारे में जानकर शाओ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लग जाते हैं, लेकिन वो उन्हें संभालते हुए बोलती है कि आप फिक्र मत कीजिए, हमारा सीक्रेट सीक्रेट ही रहेगा। जिसके बाद इवेंट स्टार्ट हो जाता है, सब लोग अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, साथ ही शाओ ने फेमस गेमर कर्मा को भी वहाँ पर बुलाया हुआ था, जिससे कि उनके इवेंट में तो चार चांद ही लग जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उसके सारे फॉलोअर्स युनशी और शाओ की ही तारीफें मार रहे होते हैं, जिन्होंने ये गेम खेलना बहुत पहले ही छोड़ दिया था, लेकिन वो लोग तो जानते ही नहीं थे कि उनका असली नेम शाओ और युनशी है। जिससे कि भाई कर्मा को तो थोड़ी थोड़ी जलसी भी होने लग गई थी और जैसे ही वो शाओ से बात करने के लिए जाता है, कोई तो उन्हें रूम में लॉक कर देता है। वहीं बाहर सब जगह हंगामा मच चुका था और सब लोग कर्मा को ही ढूंढ रहे होते हैं, इसलिए ना चाहते हुए भी सबको शांत रखने के चक्कर में युनशी जाकर खेलने लग जाता है और सबको उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में मालूम हो जाता है। ये जानते ही शाओ को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है कि उसका ऑनलाइन बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि युनशी ही था, वो तो वहाँ से गुस्सा होकर जाने लग जाती है। और फ्लैशबैक से ये मालूम होता है कि जब शाओ ने अपनी ऑनलाइन बॉयफ्रेंड को मिलने के लिए बुलाया था, वो तो आया ही नहीं था और शाओ बेचारी बारिश में ही भीगती रह गई थी।
जिसके पास से ही युनशी और शाओ के बीच में थोड़ी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होने लग जाती है। और वहीं युनशी भी सोच रहा होता है कि जब वो शाओ से उस दिन मिलने के लिए जा रहा था तो अचानक से उसे अपने प्रोफेसर के बच्चे की बेबी सिटिंग करनी पड़ गई थी। युनशी बहुत ज्यादा पुअर था और वो प्रोफेसर उसे फ्री में पढ़ाते थे बस इसलिए, यानी कि वो उस दिन मजबूरन शाओ से मिलने के लिए जा नहीं पाया था। जैसे ही फिर युनशी शाओ को घर छोड़ने के लिए जा रहा था, वहाँ उसका नेबर लुआ कर उसे अमेरिका से लाया हुआ गिफ्ट देने लगता है, जिससे कि युनशी को तो बहुत ज्यादा जलसी हो रही होती है। शाओ का हाथ पकड़ कर उसे अंदर ले जाता है और उसे किस करने लगता है, जिससे कि शाओ तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। जिसके बाद वो उसे सारी बातें सच सच बता देता है कि वो उससे मिलने क्यों नहीं आया था, जिससे कि उनके बीच की भी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है। नेक्स्ट सीन में युनशी कंपनी छोड़कर जा रहा होता है, जिससे कि शाओ तो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है, लेकिन वो उसे समझाते हुए बोलता है कि भले ही मैं यहाँ से जा रहा हूँ लेकिन हमेशा तुम्हारी हेल्प के लिए हाजिर रहूंगा। सारा स्टाफ भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो सब भी उसके जाने से काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो सब युनशी को बहुत ज्यादा लाइक करते थे। युनशी शंघाई जा रहा होता है, लेकिन शाओ तो उसके साथ और भी ज्यादा वक्त बिताना चाहती थी। वो जैसे ही उसे मैसेज कर रही होती है, अचानक से डोरबेल बजती है टिंग टोंग। जैसे ही वो खोलती है तो सामने कोई और नहीं बल्कि अपना हीरो युनशी ही होता है, जिसे देखते ही शाओ फटाक से उसे किस करने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही शाओ ऑफिस में पहुंचती है तो अचानक से उसे एक वीडियो मिल जाती है, जिससे कि उसे सारा सच मालूम हो जाता है कि उस दिन उसे और गेमर कर्मा को रूम में लॉक करने वाला कोई और नहीं बल्कि मिंग ही था। वही फिर मीटिंग के दौरान अब युनशी की पोजीशन चैंग को दी जा रही थी। शाओ भी वहाँ पर सबके सामने मिंग का भाड़ना फोड़ने लग जाती है, जिससे कि मिंग को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, उसे मारने जा रहा होता है, लेकिन जैसे ही चैंग उसे रोकता है उसकी तो पैंट ही उतर जाती है। ये देखते ही सब लोग तो काफी ज्यादा हंसने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सारे स्टाफ को युनशी की बहुत ही ज्यादा याद आ रही होती है, सब लोग काफी ज्यादा सैड होते हैं और इसलिए शाओ सबको डिनर के लिए अपने साथ में ले जाती हैं। जैसे ही सेक्रेटरी शाओ के फोन से युनशी को कॉल लगाता है, युनशी तो सोच रहा होता है कि शायद ये शाओ का ही कॉल है और वो मस्त अपनी शर्ट वर्ट खोल के एकदम कूल बनकर वहाँ पर उनके सामने ही बैठा हुआ होता है, जिसे देख कर वो स्टाफ तो पूरा शॉक हो जाता है और बेचारा युनशी भी बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और शाओ उनसे फोन छीन कर फिर उससे बात करने लगती है। लिटरली गाइस, इस सीन में काफी ज्यादा फनी था। नेक्स्ट सीन में शाओ जानबूझकर चांसू के साथ में सेक्रेटरी यू को भेज देती है ताकि उनके बीच में सब कुछ ठीक हो सके। सेक्रेटरी यू का इतना अच्छा काम देखकर चांसू भी उससे धीरे धीरे इम्प्रेस होने लग जाती है, लेकिन उसने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक की हुई होती है और इसलिए वो उसे अपने साथ में दोबारा से रिलेशन में आने के लिए बोलता है, जिससे कि चांसू उसे सीधा सीधा ना बोलकर वहां से जाने लगती है। जिसके बाद से सेक्रेटरी यू भी वही फिर चांसू को इग्नोर मारने लगता है। वहीं दूसरी तरफ युनशी भी अब अपनी न्यू कंपनी के साथ में अच्छे से सेटल हो चुका था और यहाँ तक कि उसका बॉस मिस्टर गिन भी बहुत ही ज्यादा अच्छा था, जहाँ पर उसकी एक मीटिंग ली के साथ में होती है, जो कि उसका राइवल था और उसने ये शर्त रखी हुई थी कि अगर उन्होंने युनशी को उनकी कंपनी से बाहर नहीं निकाला तो वो ये डील को तोड़ देंगे। ये सुनते ही उसका बॉस तो ली को ही जॉब से बाहर निकाल देता है, साथ ही बोलता है कि मैं युनशी जैसे इतने अच्छे और टैलेंटेड एम्प्लॉय को नहीं खोना चाहता। नेक्स्ट सीन में शाओ और युनशी एक प्ले देखने के लिए जाने वाले थे। जैसे ही युनशी वहाँ पर पहुँचता है, वो देखता है कि शाओ का नेबर लू तो वहाँ पर पहले से ही मौजूद था, जिससे कि उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और शाओ का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लेकर जाने लग जाता है, जहाँ अचानक से उन्हें पुलिस की कॉल आती है। जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें ये मालूम चलता है कि सेक्रेटरी यू एक लड़की को स्टॉक मार रहा था और इसी चक्कर में उसे पुलिस ने धर लिया है। लेकिन सेक्रेटरी यू फिर उन्हें समझाते हुए बोलता है कि एक्चुअली उसे ड्राइविंग नहीं आती है और इसलिए वो आराम आराम से गाड़ी चला रहा था, जिससे कि उस लड़की को थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिससे कि फिर वो सब लोग भी हंसने लग जाते हैं। वहीं फिर शाओ भी युनशी को समझाते हुए बोल रही होती है कि वो प्ले देखने वहाँ पर अपने पड़ोसी लू के साथ में गई ही नहीं थी, बल्कि वो तो युनशी का ही वेट कर रही थी, जिससे कि फिर युनशी का भी गुस्सा थोड़ा सा शांत हो जाता है और उनके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर हो गई थी। नेक्स्ट डे शाओ युनशी से मिलने के लिए शंघाई में पहुंची हुई होती है, लेकिन जैसे ही वो जा रही होती है तो उसका सूटकेस
मिस्टर गिन की गाड़ी से टकरा जाता है और अचानक से सायरन भी बजने लगता है। जैसे ही फिर मिस्टर गिन उसे डांट रही होती है, युनशी भी वहाँ पर पहुँच जाता है और सबके सामने बोलता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड शाओ है, जिसे सुनते ही शाओ तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसने पहली बार सबके सामने उसे इस तरह से इंट्रोड्यूस जो किया था। वो लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और साथ में मस्ती और मजाक करने लगते हैं। युनशी शाओ को अपने घर ले जाता है जो बहुत ज्यादा थक चुकी थी और चुकी जाते ही बस बिस्तर पे लोट पोट हो जाती हैं। शाओ की आंखों में युनशी को कुछ आंसू दिखाई दे रहे होते हैं, जिससे कि वो समझ जाता है कि शाओ शायद थोड़ा सा परेशान है और इसलिए वो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ही अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर शाओ को घुमाने के लिए सोच रहा होता है। जैसे ही शाओ उसके पास में जाती है, गुड मॉर्निंग बोलते हुए उसी के ऊपर स्लिप हो जाती है और वो बोलता है कि क्या तुम अभी भी नींद में हो, लेकिन वो बहाना मारते बोलती है नहीं नहीं मैं तो बस डांस की प्रैक्टिस कर रही थी। वो उसे संभालने लग जाता है और दोनों के बीच में रोमांस ही स्टार्ट हो गया था। साथ ही युनशी उसे बोलता है कि आज हम कहीं घूमने के लिए बाहर जाएंगे। ये सुनते ही शाओ तो कुछ ज्यादा ही खुश हो जाती हैं। दोनों लोग साथ में अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। जैसे ही वो लोग होटल रूम पहुंचते हैं, शाओ को तो यही लग रहा था कि शायद वो एक साथ एक ही रूम में रहने वाले हैं और इसलिए वो तो काफी ज्यादा नर्वस हो रही थी। लेकिन ये जानते ही कि उनके तो दो अलग अलग सेपरेट रूम है, वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है और फटाक से अपने रूम के लिए भाग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों साथ में ब्रश व्रश कर रहे होते हैं, जहाँ शाओ फिर से युनशी को किस करते हुए उसे छेड़ रही होती है। दोनों के बीच दोबारा से रोमांस स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ जैसे ही ऑफिस जाती है तो देखती है कि वाइस प्रेसिडेंट ने चैंग वाली पोस्ट यान को दी हुई होती है, क्योंकि यान पहले उनकी चमची जो थी, जिससे कि बाकी सारे लोगों तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन शाओ उसके लिए मान जाती है क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट के साथ कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहती थी। वहीं जैसे ही शाओ लिंक से जाकर मिलती है तो उसे ये मालूम होता है कि उस दिन प्ले की टिकट्स शाओ के नेबर यानी कि लू ने जान पूछ कर ली थी, जिसका साफ साफ तो यही मतलब हुआ कि वो शाओ और युनशी के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग डालना चाहता है, जिससे कि वो दोनों दूर हो जाएं। ये बात जानते ही शाओ को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। नेक्स्ट डे ही लू शाओ को एक मीटिंग के बहाने उसको मिलने के लिए बुला लेता है और वहाँ वो उसके सामने अपना लव कन्फेशन करते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि अभी तुम युनशी के साथ में हो, लेकिन फिलहाल तो तुम दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो ना, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम चाहे तो उसके साथ रहते हुए भी मुझे डेट कर सकती हो। ये सुनते ही शाओ को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बोलती है कि आपने क्या मुझे करेक्टरलेस लड़की समझा हुआ है, और वैसे भी मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ युनशी से प्यार करती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और मिस्टर लू का मुँह तो देखने लायक होता है। वही वाइस प्रेसिडेंट ने यान को अपने जूते की नोक पर रखा हुआ होता है, वो उसे बहुत सारे काम करवा रही होती है, साथ ही उसे बार बार इग्नोर भी मार रही थी। यहाँ तक कि ऑफिस का स्टाफ भी यही बोल रहा था कि यान को तो सिर्फ केवल चमचागिरी के चक्कर में ही ये पोजीशन मिली है और उसके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है, जिससे कि यान को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। साथ ही उसे ये चीज भी बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी थी कि अब उसके साथ में आगे भी यही सब कुछ होगा, और इसलिए वो हेल्प मांगने के लिए सीधा शाओ के पास पहुँच जाती है। लेकिन शाओ उसे बोलती है कि जब तक तुम्हारे रेजिग्नेशन लेटर पे वाइस प्रेसिडेंट के साइन नहीं होंगे, मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। जैसे ही वह फिर सिग्नेचर लेने के लिए उनके पास जाती है, वाइस प्रेसिडेंट तो उसे ये बोलते हुए डांटने लग जाती है कि एक तो मैंने अपनी रिस्क पे तुम्हें ये पोजीशन दिलवाई है और तुम उल्टा मुझे ही छोड़कर यहाँ से जाना चाहती हो। यान तो बेचारी बहुत ज्यादा सैड हो जाती है, कोपचे में जाकर रो रही होती है, जिसे की सेक्रेटरी यू ने भी देख लिया था और वो उसकी हेल्प के बारे में सोचता है और इसलिए शाओ के पास जाकर उसे उसकी हेल्प करने के लिए बोलता है, जिसकी बात मानकर शाओ भी फिर उसे एक अच्छी कंपनी में जॉब दिलवा देती है, जिससे कि यान तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, उसे थैंक्स बोलती है और तो और सेक्रेटरी यू के पास जाकर भी उसे थैंक्स बोलते हुए उसे हग कर लेती है। वो तो बेचारा शॉक ही हो जाता है, सो क्यूट ना। वेल तो फिर नेक्स्ट डे में सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि आज इनका न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला होता है। शाओ अपने स्टाफ के साथ में होती है, युनशी भी अपने स्टाफ के साथ में होता है, सब लोग पार्टी में होते हैं, जहाँ वीडियो कॉलिंग के थ्रू शाओ युनशी को विश करने ही जा रही होती है, लेकिन बीच में उनका स्टाफ आ जाता है कबाब में हड्डी की तरह और सब लोग एक दूसरे को विश करते हुए एक दूसरे के साथ में इंट्रोड्यूस होने लगते हैं। सारे शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, जिनमें उन सबके हेड मिस्टर वेंजे भी होते हैं, जिनके सामने शाओ वाइस प्रेसिडेंट का भांडा फोड़ते हुए बोलती है कि इन्होंने कंपनी में बहुत सारे घोटाले किए हैं, जिसके चक्कर में हमारी कंपनी काफी ज्यादा लॉस में जा चुकी है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये होती है कि मिस्टर वेंजे
शाह को ही डांटते हुए बोलते हैं कि तुम एक नॉर्मल एम्प्लॉय हो और ऐसे सबके सामने वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर एलिगेशंस नहीं लगा सकती हो। जहां पर अचानक से धांसू सी एंट्री होती है कंपनी के चेयरमैन यानी कि शाह के दादाजी की। सब लोगों ने देखकर काफी शॉक हो जाते हैं कि अचानक से ये यहां पे कैसे पहुंच गए। जहां वाइस प्रेसिडेंट भी अपनी सफाई देने लग जाती है और मिस्टर वेंजर तो सारा का सारा इल्जाम शाह के ऊपर ही ढालते हुए बोलते हैं कि जरूर ये किसी और कंपनी की जासूस है जो कि हमारे सारे बिजनेस आइडिया चुराने के लिए आए हैं, वरना इसको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आखिरकार कैसे हो सकती है। सबको सुनने के बाद चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट को जॉब से निकाल देते हैं और बोलते हैं कि शाह कोई और नहीं बल्कि उनकी ग्रैंड डॉटर है। ये सुनते ही सारे के सारे लोग तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। मीटिंग फिनिश होने के बाद शाह और वाइस प्रेसिडेंट के बीच में बहस हो जाती है। साथ ही वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और अपना बदला लेकर ही रहूंगी। शाह भी वहां से मुस्कुराते हुए ये बोलते हुए जाने लग जाती है कि जो खाना है खाड़ लगा की जीत हमेशा सच की ही होती है। जैसे ही शाह फिर अपने घर पहुंचती है तो शॉक हो जाती है क्योंकि वहां पे युनची उसका पहले से ही वेट कर रहा था। वही फ्लैशबैक से फिर ये भी मालूम हो जाता है कि वाइस प्रेसिडेंट के घोटाले के बारे में शाह और युनची को किसी और ने नहीं बल्कि मिंग ने ही बताया था, क्योंकि वो जान चुका था कि वाइस प्रेसिडेंट उसका भी मिसयूज कर रही थी और उनके चक्कर में ही उसे भी कंपनी से निकाल दिया गया। शाह अपने हैंडसम हीरो के लिए खूबसूरत सा कोट लेकर आई हुई होती है, लेकिन वो तो उसे बिना शर्ट के ही पहन लेता है जो कि कुछ ज्यादा ही हॉट और हैंडसम लग रहा था। शाह तो उसे देखते ही लड्डू होने लग जाती है, लेकिन तभी अचानक से बेल बजती है टिंग टोंग। लेकिन ये क्या, जैसे ही शाह बाहर देखती है वो तो काफी घबरा जाती है क्योंकि बाहर कोई और नहीं बल्कि दादाजी थे जो कि आज रात उसके साथ में रहने के लिए ही वहां पर पहुंचे हुए थे। हड़बड़ाहट के चक्कर में वो तो युनची को गेस्ट रूम के वार्ड रूम में ही छुपाने लग जाती है, जबकि युनची तो उसे बोल रहा होता है कि हमें दादाजी को हमारे बारे में सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, लेकिन वो बोलती है कि अभी सही वक्त नहीं है, जब मौका और दस्तूर दोनों होंगे तब मैं उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। दादाजी अंदर आते ही अपनी सेक्रेटरी को अपना सारा सामान गेस्ट रूम में रखवाने के लिए बोल देते हैं। बेचारी शाह की तो पूरी हालत ही खराब हो जाती है, वो भी उन्हें रोक रही होती है, लेकिन वो तो रुकते ही नहीं है, सीधा सामान लेकर रूम के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां बेचारे अपने हीरो की तो पोल पट्टी खुल जाती है यानी कि वो तो पकड़ा ही जाता है। सेक्रेटरी बाहर आकर दादाजी को वहां से ये बोलकर लेके जाने लग जाता है कि गेस्ट रूम में तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं है क्योंकि शाह ने अपना पूरा सामान फैला कर जो रखा है। दादाजी के जाते ही भाई फिर शाह की जान में जान आती है, फटाक से युनची के पास भागते हुए जाती है और दोनों में फिर से प्यारी प्यारी बातें स्टार्ट हो जाती है। वहीं वाइस प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है जो कि मिस्टर वेंजर के साथ में थी, और गाइस यहां पर हमें ये पता चलता है कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ है और यही वो रीजन था जिसके चलते मिस्टर वेंजर उसकी इतनी साइड जो ले रहे थे। वहीं जैसे ही युनशी बाहर जाता है ना तो उसे अचानक से दादाजी मिल जाते हैं जो वहां पर पहले से ही उसका वेट कर रहे थे। शाह अगर शेर है तो वही दादाजी सवा शेर है। वेल तो वो फिर इसे समझाते हुए बोलते हैं कि वो दोनों साथ में नहीं हो सकते हैं क्योंकि उनके बैकग्राउंड बिल्कुल ही डिफरेंट है, लेकिन जब शाह का मन उससे भर जाएगा और वो उसे छोड़ना चाहेगी तो युनशी भी बिना कोई सवाल किए उसे छोड़ देगा। युनशी तो बहुत ज्यादा शॉक होता है क्योंकि उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। नेक्स्ट डे शाह जैसे ही ऑफिस जाती है सारा स्टाफ बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन अब शाह को जो मिल चुकी थी। साथ ही पूरे ऑफिस में तो भाई अफरा तफरी ही मच जाती है क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ने शाह का सीक्रेट जो लीक कर दिया था कि वो चेयरमैन की पोती है। सब लोग तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उसे काफी ज्यादा अच्छे से ट्रीट भी कर रहे होते हैं। मीटिंग रूम में फिर शाह सबको अपना सच बताते हुए बोलती है कि हाँ वो चेयरमैन की पोती है जो कि अब से इस कंपनी की भागदौड़ को संभालने वाली है, और साथ ही सबको और ये जानने के बाद कि उनकी कंपनी बहुत ही जल्द बैंकक्रप्ट होने वाली है क्योंकि सारे बड़े बड़े शेयर होल्डर उनकी कंपनी को छोड़कर अपनी दूसरी कंपनी स्टार्ट जो कर रहे हैं। लेकिन फिर शाह सबको समझाते हुए बोलती है कि जब तक आप लोग मेरे साथ हैं मैं इस कंपनी को डूबने नहीं दूंगी, जिसके बाद वो सब लोग भी उसका साथ देने के लिए रेडी हो जाते हैं। दादाजी भी ये सब कुछ देख रहे थे जो कि शाह से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सबकी पार्टी हो रही होती है जहाँ युनशी वन सबसे मिलने के लिए पहुंचा हुआ होता है। जैसे ही शाह उसे हग करती है तो सेक्रेटरी को जलसी होने लग जाती है और वो शाह को हटाकर युनशी से ही चिपकने लगता है, जिसे देखकर सब लोग तो जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। और डिनर के टाइम पर सबके ये पूछने पर कि आखिरकार आपकी गर्लफ्रेंड कौन है, युनशी फाइनली सबको बता देता है कि वो कोई और नहीं बल्कि शाह है।
जिससे शाह को तो बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही होती है और सारा का सारा स्टाफ तो ये जानकर काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। नेक्स्ट सीन में सब लोग अपना फेवरेट स्प्रिंग फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए अपनी अपनी फैमिली के साथ में होते हैं। यूनजी भी अपने भाई के साथ में होता है जो कि उसे देखते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन अचानक से वहाँ पर उसके डैड पहुँच जाते हैं जिन्हें देखकर यूनजी बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। और यहाँ पर हमें ये मालूम चलता है गाइस कि यू भी यूनजी का सौतेला भाई है जिसे उसके डैड बचपन में ही यूनजी के पास छोड़कर चले गए थे। लेकिन वो अब उसे ये बोलकर वापस लेने के लिए आए हैं कि अब मैंने बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए हैं और यूबी की मॉम भी अब उससे मिलना चाहती हैं। यूनजी अपने डैड से बहुत ज्यादा नाराज था क्योंकि वो बचपन में उसे भी छोड़कर चले जो गए थे। बेचारा यूबी भी अपने भाई की जुदाई के गम में बहुत ज्यादा सैड होता है और ना जाते हुए भी यूनजी उसे समझा कर डैड के साथ ही भेज देता है, जिसके जाते ही वो उसकी सारी पुरानी मेमोरीज को याद करते हुए बहुत ज्यादा सैड था क्योंकि यूवी के अलावा तो उसका कोई और था ही नहीं और अब वो भी जा चुका है। शाओ भी अपने भाई और दादाजी के साथ में होती है जो कि उससे बार बार इशारों इशारों में उसकी बॉयफ्रेंड का नाम पूछ रहा होता है। लेकिन वो तो यूनजी को ही मैसेज करने में लगी हुई होती है जो कि उसका आंसर दे ही नहीं रहा था। दादाजी ये बोलते हुए उन दोनों का फोन छीन लेते हैं कि आज के दिन तुम दोनों सिर्फ मेरे साथ ही रहोगे। वहीं दूसरी तरफ यूनजी के पास उसका दोस्त लिंक पहुंच जाता है जो कि उसे चीयर अप करने में लगा हुआ था क्योंकि यूनजी बहुत ज्यादा सैड जो था। जहाँ पर देखते ही देखते अचानक से यूनजी के बॉस मिस्टर गी और उसके सारे के सारे दोस्त भी पहुँच जाते हैं और उसे एक बार में ले जाते हैं क्योंकि लिंग ने उन सबको ऑलरेडी यूवी और यूनजी के बारे में सब कुछ बता दिया था। वहीं शाओ भी दादाजी से और अपने भाई से छुपते छुपाते हुए यूनजी से रात में मिलने के लिए जा रही होती है। लेकिन उसका भाई उसे रोकते हुए बोलता है कि ओहो कहाँ जा रही हो। शाओ उसे देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाती है कि अरे ये तो रात में भी उल्लू की तरह जागता रहता है। और जैसे ही शाओ बार में पहुंचती है ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लग जाती है कि यूनजी उसका फोन अवॉइड मारकर अपने दोस्तों के साथ में ही चिल करने में लगा हुआ है। गुस्सा होकर वहाँ से जा रही होती है कि यूनजी फिर उसे रोक कर समझाते हुए सब कुछ सच सच बता देता है कि यूवी को आकर उसके डैड ले जा चुके हैं। ये जाने के बाद तो बेचारी शाओ भी थोड़ा सैड हो जाती है। और वहीं शाओ का भाई भी वहाँ पर होता है जो देखता है कि उसकी एक फ्रेंड को कुछ लोग छेड़ रहे हैं तो वो तो जाके सीधा उन्हें मारने ही लग जाता है। दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है जिसके चक्कर में शाओ को भी चोट लगने वाली होती है लेकिन यूनजी बीच में आ जाता है जिससे कि उसको चोट लग जाती है। ये सब कुछ देखकर यूनजी के फ्रेंड्स भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और इन सबको काफी अच्छे से मजा चखाते हैं। सब कुछ शांत होने के बाद शाओ और यूनजी एक रूम में होते हैं जहां उनके बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर हो जाती है। और वहीं शाओ का भाई बार बार उसे आवाज लगाते हुए ढूंढ रहा होता है। यूनजी के बॉस यानी कि मिस्टर गिया कर उसे ये बोलते हैं कि शायद शाओ यहां से जा चुकी है और इसलिए तुम्हें भी यहां से जाना चाहिए। वहीं शाओ और यूनजी का तो अलग ही रोमांस चालू था। नेक्स्ट सीन में शाओ का भाई दादाजी के सामने उसका भांडा फोड़ते हुए बोलता है कि आप जानते हैं कि आपकी पोती का एक बॉयफ्रेंड भी है। लेकिन भाई वहाँ पर दादाजी तो शाओ की साइड लेते हुए बोले लग जाते हैं, हाँ हाँ मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी कितनी सारी गर्लफ्रेंड्स हैं। जैसे ही शाओ यूनजी से मिलने के लिए जाती है वो भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है और उनकी वीडियो और फोटोज बनाने लगता है। यूनजी के दोस्त भी वहीं पर होते हैं जो कि उसके भाई को देख लेते हैं और एक फुटबॉल से उसे मार कर वहां से भागने के लिए कहते हैं। शाओ भी उसकी आवाज़ सुन लेती है और बोलती है कि शायद मेरा भाई यहीं पर कहीं आसपास छुपा हुआ है। वहीं उसका भाई फटाक से दादाजी के पास जाकर वही खींची हुई उनकी फोटोज दिखाते हुए बोलता है कि मुझे ये लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और मेरे पास तो बहुत सारे आइडियाज हैं जिनसे कि मैं इन दोनों का ब्रेकअप करवा सकता हूँ। लेकिन मैं तो जानता ही नहीं था कि दादाजी की उनके बारे में पहले से सब कुछ मालूम है और वो भी बेचारे मंद मंद मुस्कुरा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में फाइनली शाओ अपने भाई को अपने बॉयफ्रेंड से यानी कि यूनजी से मिलवा ही देती है लेकिन वो तो उसे फुल्ली इग्नोर मार रहा था और साथ ही उनका ब्रेकअप करवाने के चक्कर में अपना शातिर दिमाग लगाते हुए बोलता है कि मेरी बहन की ना बहुत सारे बॉयफ्रेंड है और साथ ही उसका एक ऑनलाइन बॉयफ्रेंड था जिसे मिलने के चक्कर में वो तो पूरी रात ही बारिश में भीगती रही थी और वापस भी घर नहीं आई थी। यूनजी तो ये सब कुछ सुन सुनकर काफी ज्यादा खुश हुए जा रहा था क्योंकि शाओ का वो ऑनलाइन बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि वही तो था। घर आकर मजे मजे में भी दादाजी को बोलने लग जाता है कि अब तो फाइनली उन दोनों का ब्रेकअप
हो ही जाएगा क्योंकि मैंने युनशी को शाओ की ऑनलाइन बॉयफ्रेंड के बारे में जो बता दिया है। ये जानते ही दादाजी तो बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम तो बहुत ही बड़े वाले पागल हो, वो लड़का कोई और नहीं बल्कि युनशी ही है। ये सुनते ही भाई उसका भाई तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो भी उस गेमर का बहुत बड़ा फैन जो था। साथ ही अपनी हरकतों पर भी काफी हंसने लग जाता है कि वो कितना पागल है। वहीं जैसे ही युनशी के दोस्तों को ये मालूम पड़ जाता है कि शाओ के दादाजी युनशी को ज्यादा खास पसंद नहीं करते हैं, वो सब लोग तो अपना ही एक प्लान बनाकर युनशी का अच्छा इम्प्रेशन डालने के चक्कर में दादाजी को हर जगह फॉलो मारने लग जाते हैं और जगह जगह जाकर युनशी की तारीफ भी कर रहे होते हैं, जिससे कि भाई दादाजी तो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं बार बार युनशी का नाम सुन सुनकर। सही बात है भाई, दोस्त हो तो ऐसे हो। जिसके बाद फाइनली दादाजी युनशी को मिलने के लिए बुला ही लेते हैं और वो भी स्विमिंग पूल में। साथ ही उसे बोलते हैं कि स्कूल टाइम में शाओ एक लड़की को बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी जो कि शायद अभी तक उसे नहीं भूल पाई है। युनशी भी उनकी बातें सुनकर मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि शाओ बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली है और उसे शांत करना मुझे बहुत ही अच्छी तरह से आता है। दादाजी आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं उसे अच्छे से संभाल लूंगा और उसका पूरा ध्यान भी रखूंगा। एंड सेकंड थिंग इज कि वो स्कूल वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। ये सुनते ही दादाजी तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और युनशी की बातों से बहुत ज्यादा इम्प्रेस भी हो गए थे। जैसे ही ये बात शॉक को मालूम होती है कि दादाजी युनशी को लाइक करने लग गए, वो भी काफी खुश हो जाती है। वही शाओ सेक्रेटरी यू के साथ एक पार्टी में पहुंची हुई होती है जहाँ वो लोग जानसू और मिस्टर ली को साथ में देख लेते हैं, जिससे कि भाई सेक्रेटरी यू को तो काफी गुस्सा आ रहा होता है मिस्टर ली के ऊपर, लेकिन उसे रोकने लग जाती है। बट वो भी कहाँ ही रुकने वाला था, अपने दोस्त के साथ में आता है मिस्टर ली को मारने, लेकिन वो उल्टा बेचारा खुद ही मार खाकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिस में शाओ चांसू को समझा रही होती है कि मिस्टर ली एक बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा मिसयूज ही कर रहा है। लेकिन चांसू तो उल्टा शाओ से ही लड़ने लग जाती है मिस्टर ली की साइड लेते हुए। साथ ही वो कल वाली बात के लिए सेक्रेटरी यू को भी काफी भला बुरा बोल रही होती है और ये सब को सेक्रेटरी यू ने भी सुन लिया होता है, जिससे वो काफी सैड भी हो जाता है। जिसके बाद शाओ जब युनशी को जाकर मिलती है तो वो उसके गले में अपने वही वाले लॉकेट को देख लेती है कि उसने बचपन में उसके लिए बहुत प्यार से लिया था, लेकिन गुस्से में ही उसके मुंह पर फेंक कर वहाँ से भाग गई थी। जिसका साफ मतलब है कि युनशी ने वो लॉकेट तब से लेकर अब तक ऐसे ही पहना हुआ है, जिससे कि शाओ काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उनके बीच में फिर से रोमांस स्टार्ट हो जाता है। वही चांसू को भी मिस्टर ली के बेटे से बात करते हुए ये मालूम चल जाता है कि उनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, जिससे कि उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वहीं जब युनशी अपने प्रोफेसर से बातों में लगा हुआ होता है तो शाओ अचानक से उसके घर में पहुंच जाती है और बिना यहाँ वहाँ देखे उसे चिपकने लगती है। युनशी भी उसे इशारों इशारों में बोल रहा होता है कि अरे पीछे तो देखो कोई बैठा हुआ है। जैसे ही वो फिर देखती है बेचारी तो काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। प्रोफेसर भी उन्हें देखकर बोलते हैं लगता है कि तुम दोनों में तो ज्यादा ही प्यार है, वैसे तुम्हारी जोड़ी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। नेक्स्ट सीन में दादाजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिससे कि शाह और उसका भाई तो बहुत ज्यादा सैड होते हैं। साथ ही डॉक्टर अंकल ये बोलते हैं कि स्ट्रेस के चक्कर में दादाजी की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ सकती है और उनकी काफी एज भी हो चुकी है। दादाजी के सेक्रेटरी से शाह को ये मालूम चलता है कि उनकी कंपनी के बड़े बड़े शेयर होल्डर्स कंपनी को छोड़कर जा चुके हैं, जिससे कि दादाजी बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे और इसलिए उनके साथ में ऐसा हुआ है क्योंकि वो हर हाल में अपनी कंपनी को बचाना चाहते हैं और शाह को इन सबसे दूर रखकर उसे खुश रखना चाहते हैं, जिससे कि सारा स्ट्रेस तो भाई दादाजी ने खुद ही ले लिया। सब कुछ सच जाने के बाद शाओ को बहुत ही ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है और वो हर हाल में अब कंपनी को बचाने में लगी हुई थी। जहाँ फिर हॉस्पिटल में दादाजी से मिलने के लिए मिस लियोन पहुँच आती है और उन्हें बोलती है कि कंपनी को डूबने से बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अभी एक ही रास्ता बचता है और वो ये है कि हमें अच्छे से अच्छे टेक्नीशियन अपने टेक्निकल डिपार्टमेंट में चाहिए होंगे और साथ ही उन्हें लीड करने वाला एक लीडर जो कि युनशी से अच्छा और कोई हो ही नहीं सकता। दादाजी भी उसकी इस बात से एग्री होते हैं और ये सुनते ही शाओ भी काफी खुश हो जाती है और बोलती है कि मैं इस बारे में युनशी से बात जरूर करूंगी। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलती है देखती है कि युनशी तो उसी हॉस्पिटल में होता है क्योंकि उसका भी एक छोटा सा एक्सीडेंट जो हो गया था। गुस्सा होकर शाओ वहाँ से जाने लग जाती है क्योंकि ये बात युनशी ने उससे छुपाई थी, बट वो फिर उसे रोकते हुए समझा लेता है और दोनों में फिर से किस हो जाती है। शाओ को ऐसे सैड देखकर युनशी उससे पूछता है कि सब ठीक तो है ना, जहाँ शाओ उसे झूठ
बोलते हुए कहती है कि हाँ सब कुछ ठीक है, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। कंपनी के बारे में वो उसे कुछ भी नहीं बताती है, लेकिन एक दिन उसे ये बात मिस्टर गी से मालूम चल जाती है, जिसका उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। फटाक से मिलने के लिए दादाजी से हॉस्पिटल में वो पहुंच जाता है और ये बोलते हुए उन्हें यकीन दिलाता है कि वो उनकी कंपनी को बिल्कुल भी डूबने नहीं देगा, जिससे कि दादाजी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन वहीं जैसे ही प्रोफेसर को ये मालूम चलता है कि युनशी तो अपने एयर स्पेस का इंटरव्यू देने के लिए जा ही नहीं रहा है, वो तो बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं। फोन करके शाओ को बुलाते हैं और उसे समझाते हुए कहते हैं कि ये उसका बचपन का सपना था, जिसे कि वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे चक्कर में छोड़ रहा है, और अगर तुम उसे सच में प्यार करती हो तो उनके सपने के बीच में क्यों आ रही हो। जहाँ फिर शाओ भी उनसे ये प्रॉमिस करने लग जाती है कि युनशी अब्रॉड जरूर जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। जिसके बाद जैसे ही वो उसके घर जाती है, युनशी के बहुत सारे मेडल्स और सामान और सर्टिफिकेट्स को देखने लग जाती है, क्योंकि उसे तो ये बात मालूम ही नहीं थी कि वो उसके चक्कर में अब्रॉड नहीं जा रहा है। युनशी जैसे ही घर पहुंचता ना, तो उसका लिखा हुआ नोट देखता है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि मुझे तुम्हारी अभी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बस चाहती हूँ कि तुम अपने सपने को अब्रॉड जाके पूरा जरूर करो। फिर नेक्स्ट डे मीटिंग में सब लोग वहाँ से ये बोलकर कंपनी छोड़कर जा रहे होते हैं कि जब टेक्निकल डिपार्टमेंट का कोई लीडर ही नहीं है, तो हमारा यहाँ पर रहने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। जहाँ पर अचानक से एंट्री होती है युनशी की और बोलता है कि अभी मैंने ये जॉब नहीं छोड़ी है और इसलिए मैं ही यहाँ का लीडर हूँ, जिसे देखते ही शाओ काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। जिसके बाद वो उसे ये बोलते हुए ब्रेकअप करने लग जाती है कि मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है और इसलिए यहाँ से जाऊँ। लेकिन भाई युनशी भी कहाँ ही मानने वाला था, यहाँ तक कि उसके तो दोस्त भी पहुँच जाते हैं शाओ की हेल्प करने के लिए। साथ ही चांसू भी वहाँ पर आकर उसे सॉरी बोलते हुए उसे माफी मांगने लग जाती है, क्योंकि अब उसे भी मिस्टर ली की सारी सच्चाई जो मालूम हो चुकी थी, जिससे कि उनके बीच भी सब कुछ ठीक हो जाता है। वहीं फिर बहती गंगा में हाथ धोते हुए भी फैंग वहाँ पर पहुँच जाता है और शाओ के सामने ये डील रखता है कि अगर उसने उसकी शादी कर ली तो वो उसकी डूबती हुई कंपनी को बचा लेगा। लेकिन शाओ उसे ये बोलते वहाँ से जाने लग जाती है कि मुझे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और नेक्स्ट सीन में सब लोग पहुंचे हुए होते हैं मिस शियांग का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि मिस शियांग इन सब की प्रोफेसर जो है। जहाँ एक लड़की बार बार युनशी के ऊपर लाइन मार रही होती है, वो तो पूरी तरह से उसके ऊपर लड्डू ही हो चुकी थी, जिसमे फैंग भी उसका पूरा पूरा साथ दे रहा था। जैसे ही शाओ की वहाँ पर एंट्री होती है ना, सब तो उसे देखते रह जाते हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा खूबसूरत जो लग रही थी। और ये देखने के बाद कि युनशी तो उस लड़की को बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा है, जो कि हाथ धोकर उसके पीछे ही पड़ चुकी है, शाओ तो मन ही मन मुस्कुरा रही होती है और काफी खुश भी हो रही होती है कि युनशी अभी भी उसी के बारे में ही सोचता रहता है। ये सब कुछ देखकर फैंग को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, शाओ को वहाँ से बाहर ले जाता है और जबरदस्ती उसे वहाँ पर रोक रहा होता है। लेकिन अचानक से अपना हैंडसम हीरो युनशी पहुँच आता है, जो कि फैंग को साइड में हटाते हुए शाओ को अपने साथ में ले जाता है, जिसके बाद वो उसे प्यार से समझाते हुए बोलता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपना सपना करने के लिए अब्रॉड जरूर जाऊंगा। ये सुनते ही शाओ भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, साथ ही उसे बहुत सारे गिफ्ट्स भी देते हुए बोलता है, ये सारे वो गिफ्ट्स हैं जो कि अब तक मैंने तुम्हारे हर बर्थडे पर संभाल के रखे थे इतने सालों से। ये सुनते ही शाओ तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे जैसे ही वो दादाजी से मिलने के लिए जाती है, तो उसे ये मालूम होता है कि उनकी कंपनी को अब इन्वेस्टर मिल चुके हैं, जिससे कि अब वो बैंकक्रप्ट नहीं होंगे। और वो इन्वेस्टर कोई और नहीं बल्कि युनशी की ही मॉम है, जो कि यूएस में रहती है और एक बहुत ही अमीर लेडी है। और बचपन में उन्होंने अपने करियर के लिए युनशी को छोड़ दिया था और उसके बाद से युनशी भी उनसे बहुत ज्यादा नाराज था और उनसे कभी भी बात नहीं की। लेकिन आज शाओ के चक्कर में ही युनशी ने उनसे हेल्प मांगी है, जिससे कि उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा खुश है। नेक्स्ट सीन में सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, पार्टी शार्टी हो रही होती है, जहाँ पर ये भी मालूम होता है कि युनशी का सिलेक्शन एयर स्पेस में हो चुका है। वही चांसू भी सेक्रेटरी यू से माफी मांगते हुए सॉरी बोलती है, जिनसे कि उनके बीच में भी सब कुछ ठीक हो जाता है। दोनों किस कर रहे होते हैं और ऑफिस का स्टाफ तो उन्हें बाहर से झाक झाक कर देख कर खुश हो रहा था। नेक्स्ट सीन में शाओ भी अपनी आइडेंटिटी रिवील करते हुए सबको बता देती है कि गेमर क्वीन कोई और नहीं बल्कि शाओ ही है, जिससे कि सेक्रेटरी यू तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे थोड़ा गुस्सा भी होता है, क्योंकि उसने ये सच उसे छुपा कर जो रखा था, जबकि वो तो उसका सबसे बड़ा वाला फैन था और ये बात तो वो जानता ही नहीं था कि वो लड़की शाओ ही है।
वहीं यूनची शाओ से थोड़ा नाराज होता है क्योंकि उसने एक नई सेक्रेटरी को रखा था, लेकिन शाओ से समझाते हुए बोलती है कि वो सेक्रेटरी ही वो कोई और नहीं बल्कि उसका कजन है। और इस तरह से मनाते हुए वो फिर उसे किस करने लग जाती है, जहाँ पर अचानक से उसका कजन पहुँच जाता है और ऐसे एक्टिंग कर रहा होता है जैसे कि उसने कुछ देखा ही नहीं और वो अंधा है। वहीं शाओ बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि आज फाइनली यूनशी उसे प्रपोज करने वाला है, लेकिन वहां तो उसकी जॉब से हो जाती है क्योंकि आज तो प्रोफेसर का बर्थडे था और इसलिए इतनी शानदार पार्टी थी। नेक्स्ट सीन में यूनशी की बनाई हुई सबसे बेहतरीन सैटेलाइट फाइनली लॉन्च हो रही होती है, जिसे सब लोग देख रहे होते हैं और काफी ज्यादा खुश होते हैं। और इंटरव्यू में फाइनली सबके सामने यूनशी शाओ को प्रपोज करते हुए उससे मैरिज के लिए पूछता है। सीन शिफ्ट होता है और फिर कुछ टाइम बाद खाया जाता है कि सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। शाओ और यूनशी की भी शादी हो चुकी थी, दादाजी भी यहाँ काफी ज्यादा खुश होते हैं। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं, फिर कुछ साल बाद का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक छोटा सा बच्चा एक लेडी एडवोकेट के पास आकर बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे मॉम डैड का डाइवोर्स हो जाए क्योंकि उनके पास तो मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जहाँ पर पहुँच जाती है हमारे हीरोइन शाओ और ये मालूम होता है कि ये नटखट बच्चा शाओ और यूनशी का ही है और वो उसे डांटते हुए अपने साथ में वहाँ से ले जाती है, यानी कि अब इनकी एक क्यूट सी हैप्पी फैमिली थी। सो गाइस इसी के साथ हमारे इस खूबसूरत से ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अब आप मुझे कमेंट में जरूर बताएगा कि आपको ये ड्रामा अच्छा लगा या नहीं, नेक्स्ट टाइम आप कौन सा देखना चाहते हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसी ही प्यारी प्यारी सी सीरीज आपके लिए हमेशा लेकर आती रहती हूँ।